फोनिकल पेंडुलम के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत यूजफुल है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। लगता है इजी है कॉनिकल पेंडुलम, लेकिन ध्यान से आप एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट से उसको समझेंगे तो बहुत यूजफुल है। ये माइक मैंने खुद बनाया हुआ है, होममेड माइक है। पता नहीं इसका आवाज़ कैसे आएगा, मैं आवाज़ फिक्स कर रहा हूँ मेरे मोबाइल का, बट कुछ प्रॉब्लम है लगता है। अब एक कॉनिकल पेंडुलम हम जानते हैं कि इस तरह से ये है पेंडुलम जो ऐसे आपका रोटेट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए इसमें, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको मैं सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस पेंडुलम को देखता हूँ, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पेंडुलम जो कि ऐसे घूम रहा है इस प्लेन में है, अभी जस्ट इस प्लेन में है। तो इसका जो वेलोसिटी है, अगर ये ऐसे घूम रहा है, अगर मैं टॉप से देखता हूँ और टॉप से मुझे वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ध्यान दीजिए टॉप से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इसका वेलोसिटी अंदर को जाएगा। तो मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ, सॉरी क्रॉस लगा देता हूँ। अगर मैं इस साइड पेंडुलम को रखता तो पेंडुलम बाहर आ रहा है, इधर से बाहर आएगा, इधर डॉट लगा देता हूँ। सो इधर मेरा वेलोसिटी अंदर को है, इधर मेरा वेलोसिटी बाहर को है, इधर वेलोसिटी अंदर को है, और जब यहाँ पे है तो वेलोसिटी ऐसे है। अब आप ध्यान से देखिए, ऐसी सिचुएशन में जब आपका पॉइंट जो है ये कोई रिजिड नहीं है, आपकी बॉडी जो रोटेट कर रही है इस टाइम पे, आप देखिए मैं अगर इस पॉइंट के रेफरेंस में देखूंगा तो ये अगर ग्रेविटी नहीं होती, एम जी नीचे एक्ट कर रहा है, टेंशन ऐसे एक्ट कर रहा है। सपोज मैंने जिस पोजीशन में इसको देखा, उस पोजीशन में आप ये ग्रेविटी आप गायब कर दीजिए, तो कैसे घूमता, यहां से लेके इस प्लेन में घूमता था, भी है इस प्लेन में ऐसे ऐसे घूमता, ग्रेविटी की वजह से ही तो ये ऐसी शेप ले रहा है, ऐसा कोन बना रहा है। इसका थ्रेड का जो पोजीशन है वो कोन का सरफेस है, लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं होती और इस पोजीशन पे मैंने वेलोसिटी देके से छोड़ दिया, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता ना, और रोटेट करता उस प्लेन में। मैं प्लेन कैसे दिखाऊं, मेरे पास कोई चीज नहीं है, अगर हाँ मैं इसमें दिखा सकता हूँ, इस प्लेन में रोटेट कर रहा होगा, इस प्लेन में रोटेट करेगा अगर ग्रेविटी नहीं है। तो ग्रेविटी की वजह से क्या है, एक टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट। आप इस टॉर्क की वैल्यू देखिए, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, एम जी, ये एल है और ये थीटा है। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से बता रहा हूँ, लेकिन इसको समझना जरूरी है। सो टॉर्क है एम जी एल साइन थीटा, ये टॉर्क लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, एक टॉर्क है। अब इस टॉर्क की वजह से ही इसका जो है ऐसा शेप आता है। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के अबाउट इस पोजीशन में एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, ये लाइन हटा देता हूं, इसके परपेंडिकुलर होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इस जो लाइन ज्वाइन करता है, हमेशा आप ऐसी सिचुएशन में जिस पॉइंट का वेलोसिटी है उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम होगा। और ये है तरीका, क्योंकि ये वेलोसिटी अंदर को जा रही है ऐसे, सो एंगुलर मोमेंटम ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूमता, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये इस प्लेन में ऐसे घूमता, अभी ये इस प्लेन में घूम रहा है। अभी देखिए एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है, तो इस प्लेन में अगर ये घूमता, इस पॉइंट में हमने फोटो ली इसकी, इस पॉइंट पे ही आपको एनालिसिस करना है। तो इस पॉइंट पे जब इस पोजीशन में है तो एंगुलर मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में, इस पोजीशन में तो रहेगा नहीं, अब ये चलेगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से एक टॉर्क लगेगा। तो क्या हो रहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका रोटेट कर रहा है, एक कोन बना रहा है यहाँ पे, जैसे आपका बॉब कोन बना रहा है यहाँ पे, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम जो आपका अभी ऐसे था, तो एंगुलर मोमेंटम अगर ऐसे है तो एंगुलर मोमेंटम आपका ऐसे घूम रहा है। अगर आप टॉप से देखें तो एंगुलर मोमेंटम आपको ऐसा घूमता हुआ दिखेगा। तब इस एंगुलर मोमेंटम के आप दो कॉम्पोनेंट लीजिए, एक ऐसे और एक अलोंग दिस, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग।
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा बिकॉज ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर जो है सीधा रट लीजिए, वो एंगल भी थीटा होता है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये एंगल थीटा हो गया, सो ये हुआ एल कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे फिर से इस डायग्राम को बना रहा हूँ, ये एंगुलर मोमेंटम था, एक कॉम्पोनेंट ये है और एक कॉम्पोनेंट ये है, ये एल है, इसका वैल्यू था एल कॉस थीटा और इसका वैल्यू है एल साइन थीटा। एल साइन थीटा देखिए आपका कांस्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम है, एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा चेंज नहीं होगा, लेकिन आप एल कॉस थीटा का देखिए डायरेक्शन, ये जो एंगुलर मोमेंटम जो ऐसे घूम रहा था, इसका एक प्रोजेक्शन ऐसे और एक प्रोजेक्शन ऐसे, तो वर्टिकल वाला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो देखिए आप ऐसे रोटेट कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रोटेट कर रहा है, तो ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मैं आप इसको टॉप व्यू से देखूं, जब मैं इसे टॉप से देखता हूं, तो ये एल कॉस थीटा आपका थोड़े टाइम जब ये डी थीटा जब रोटेट टाइम डी टी लेता हूँ स्मॉल टाइम डी टी उसमें डी थीटा रोटेट किया और ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपका एल कॉस थीटा इधर था, अब डी थीटा से चेंज हो गया, इस प्लेन में देख रहा हूं मैं, तो ये हो गया एल कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ डी थीटा से। अब ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, तो ये डेल्टा एल है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल कॉस थीटा इंटू डी थीटा, सो डेल्टा एल और इसको भी डेल्टा थीटा ही लीजिए आप, क्योंकि मैंने इसे डेल्टा एल लिया इसको डेल्टा थीटा लीजिए और डेल्टा थीटा इज टेंडिंग टू जीरो, सो डेल्टा एल इज एल कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। अब दोनों को मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूँ, सपोज ये स्मॉल टाइम डेल्टा टी में डेल्टा थीटा रोटेट किया, सो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एल कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा थीटा, डेल्टा टी इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, एक्चुअली बहुत ही स्मॉल टाइम में हमने लिया, तो इसको डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा, ओमेगा ये है रोटेशन वाला, ये जो रोटेट कर रहा है उसका ये ओमेगा है, एंड ओमेगा इज हाउ मच, ओमेगा इज टू पाई अपॉन टी, हमें यहाँ से ओमेगा मिल गया है, लेकिन निकलेगा कैसे, हमें आपको डीएल अपॉन डी टी चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क होता है, और इस पे टॉर्क क्या एक्ट कर रहा है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम ये रोटेट कर रहा है वो इस टॉर्क की वजह से हो रहा है, और कोई टॉर्क इस पे तो एक्ट नहीं कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, टेंशन टी तो इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है, कोई टॉर्क नहीं लगेगा, और फोर्स क्या लग रहा है इस बॉब पे, इस पेंडुलम पे एमजी लग रहा है, mg फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट क्या है, टॉर्क क्या है, ये है mg l sin थीटा, सो mg l sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल L, ये है आपका एंगुलर मोमेंटम और ये है लेंथ, कंफ्यूज मत कीजिए, l cos थीटा इंटू ओमेगा। अब l की वैल्यू क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो आपका l है वो है m v into l, ये वेलोसिटी आपका v है यहां पे, ये लेंथ l है, ये एंगुलर मोमेंटम है, और v की वैल्यू क्या है ओमेगा के टर्म्स में, ये वेलोसिटी v है और ओमेगा के टर्म्स में अगर मैं लिखूं v इज इक्वल टू क्या है r ओमेगा, अगर ये r है r into ओमेगा जिस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो v इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है l साइन थीटा इंटू ओमेगा, तो l इज इक्वल टू m l स्क्वायर साइन थीटा इंटू ओमेगा, l का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो हमारा आया m g l साइन थीटा इज इक्वल टू l, l का वैल्यू रिप्लेस कीजिए m l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और यहां पे कॉस थीटा भी था,
कॉस थीटा। सॉल्व करके इसको आपको ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आएगा, यहाँ पे एम कैंसिल हो गया, एल आपका एक ये गया, सो साइन थीटा आपका गया, सो ओमेगा का वैल्यू आया जी अपॉन एल कॉस थीटा स्क्वायर रूट, दिस इज 2π/T। सो टाइम पीरियड आया 2π√L cos θ/g। ये हुआ एंगुलर मोमेंटम के मेथड से निकालना। इसको आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे सिंपल मेथड सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लेके और टेंशन निकाल के कंपोनेंट निकाल के, उसमें भी आपका टाइम पीरियड यही आएगा। ये थोड़ा लेंथी मेथड है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जेई में, ये वाले, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, थीटा पे रखा हुआ है, रोटेट कर रहा है, किसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब आपको ये जो एक्सिस लेनी होती थी ना ओमेगा निकालने के लिए, ओमेगा आप इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालोगे। तो जब तक आपने ऐसे कंसेप्ट नहीं करे होंगे तो ऐसे वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, इसीलिए इसको एंगुलर मोमेंटम के मेथड से समझना ज़्यादा जरूरी है।